नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका क्या कहता है कि भारत के अंदर बोलते हैं ना डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। जब ये हरदीप सिंह निज्जर वाला केस आया था बोलते हैं रॉक ढूंढ ढूंढ के लोगों को मार रही है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और आज बोलते हैं ना अमेरिका की ऐसी हालत चल रही है, ऐसे डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं कि भाई साहब प्रॉब्लम झेलना किसको पड़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। अभी रिसेंट में बोलते हैं ना, अब ये जो न्यूज थी भैया स्टॉर्मी डैनियल्स और बोलते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप का जो भैया सेक्सुअल अफेयर रिलेशनशिप जो भी था वो फिर से बोलते हैं ना एकदम एकदम गर्म होते जा रहा है। फिर से आप ये न्यूज देख सकते हो, ये पुरानी न्यूज नहीं है, 10 मई 2024 वापस से बोलते हैं ना इस जो केस को वापस से बोलते हैं ना चिंगारी मिल चुकी है और वापस से ये बोलते हैं ना हाईलाइट हो चुका है केस। इसको तो हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि स्टॉर्मी डैनियल्स ने बोला हु टेस्टिफाइड अबाउट सेक्स विद ट्रंप विल रिटर्न टू स्टैंड। इन्होंने क्या बोला था भैया कि स्टॉर्मी डैनियल ने क्या क्लेम किया था, द अफेयर नाइट विद डोनाल्ड ट्रंप वाज जस्ट लाइक हर पॉर्न वीडियोस। तो ये क्या एक पॉर्न स्टार है और इनके साथ में भैया इनका अफेयर का कुछ बताया गया रिलेशनशिप वो बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है। ये सब चीजें अक्सर आपको देखने को मिलती है जब इलेक्शन आता है ना, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है। प्लस इन्होंने एक मैडम ने एक बुक भी लिखा है स्टॉर्मी डैनियल्स ने, फुल डिस्क्लोजर, उसमें इन्होंने पूरा मेंशन किया है भाई साहब हर एक चीज के बारे में मेंशन किया है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कैसा रिलेशनशिप बना है, कैसे दिखते हैं, कैसी उनकी बॉडी है, मतलब हर चीज उन्होंने एकदम ओके है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये इलेक्शन में इसका क्या प्रभाव होने वाला है, बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है इनके लिए भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना उनको इलेक्शन में बोलते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसमें बाइडन जी मुस्कुरा रहे हैं चश्मा लगा के, है ना गार्डन जी, मजा आ गया आपको, आपका तो भैया एकदम चांदी हो गया है। आपने इसके पहले भी देखा होगा, जैसे अब ये खाली बोलते हैं ना अमेरिका में नहीं हो रहा है, इंडिया में भी अपने कर्नाटक में वाले में देखा होगा प्रज्वल रवेना वाला, आपने जो सुना होगा सेक्सुअल अब्यूजमेंट का जो हैरेसमेंट का जो भी केस था, आप उसमें क्या हुआ डैड और सन दोनों को, बाप बेटे दोनों को घसीट लिया गया। तो ये सब चीजें बोलते हैं ना तब न्यूज हाई लाइट में आती है जब इलेक्शन नजदीक होने लगता है ना। तो देखो कोई भी चीजें बोलते हैं ना बाहर तभी आती है जब उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, तो ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाना रहता है, तब ये चीजें न्यूज में क्या होती है हाईलाइट होती है। अब इनो मैडम ने क्या बोला, ये बोलते हैं ना पहुंच गई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल के पास 2018 में अपनी स्टोरी बोलते हैं ना उसने पब्लिश की वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। इन्होंने पूरा बाकायदा बताया कि 2016 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे क्या किया था, 1,30,000 डॉलर रुपीज क्या किए थे, सॉरी माफ करना 1,30,000 डॉलर क्या किया था उन्होंने मुझे दिया था इसलिए कि आप अपना मुंह बंद रखो। तो मतलब अब ये बात तो बोलते हैं ना भाई साहब इसके पीछे क्या सबूत है वो भी चीज एकदम क्लियर हो रहा है। चलिए यहाँ पे आप पूरी कहानी को अच्छे से समझते हैं। कौन स्टार ट्रंप के खिलाफ गवाही दी, कहा उन्होंने मुझे अपने कमरे में रोका संबंध बनाने के लिए, मेरे हाथ कांप रहे थे, ब्ला ब्ला बहुत सारी स्टोरी उन्होंने बगाया है। तो हम लोग एकदम बोलते हाईलाइटेड चीजों को खाली देख लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पे क्या आरोप है कि उन्होंने पॉर्न स्टार को पैसे देकर के चुप रहने के लिए कहा। अब ये बोलते हैं कि मेरी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से कब हुई थी, 2006 में हुई थी, उस समय वो 60 साल के थे और मैं 27 साल की थी। चलिए ठीक है भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या बोला कि उन्होंने कि 2016 में उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए ट्रम्प के वकील ने ये भी बात को माना कि हाँ भैया 1,30,000 डॉलर मतलब करीब 1,07,00,000 रुपए उनको दिया गया, किसको, ये मैडम को, भैया तुम अपना मुंह बंद रखो इलेक्शन का समय है। लेकिन इन्होंने मुंह बंद नहीं रखा, समझ सकते हो, पैसा कम पड़ गया होगा। और चाचा मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है, चलिए। और उसके साथ ही साथ इन पे आरोप ये भी लगाया कि भैया आपने पैसे तो दिए थे, उसकी भरपाई के लिए इन्होंने क्या किया बिजनेस रिकॉर्ड्स ने भी क्या की धांधली की, ये क्या किया अमेरिकन कोर्ट में भी केस चल रहा है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अमेरिका कोर्ट में 5 घंटे की सुनवाई चली उस पे क्या हुआ कि 2006 में सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में बोलते हैं ना इन्होंने किसने डोनाल्ड ट्रंप ने स्टॉर्मी को क्या किया वहां पे बुलाया और उसके बाद ये कमरे में सोते थे बाथरूम ये ब्ला 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 उन्होंने रोका मुझे संबंध बने घटनाक्रम को, मतलब बहुत एकदम डिटेल में बताया, इतने डिटेल में बताया कि कई बार बोलते हैं ना जज साहब ने बोला नहीं नहीं इतने डिटेल में मत बताओ, बस बस बस, मतलब इतने डिटेल में वो बताने की कोशिश कर रहे थे। अब ट्रम्प के खिलाफ क्या हो गया भाई साहब इसी मामले में, बोलते हैं पहला क्रिमिनल केस क्या हुआ है दर्ज हुआ है, उनपे टोटल 34 आरोप लगाए गए थे जिसमें से उन्होंने क्या किया अफेयर की बात छुपाने, पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को पैसे देकर चुप कराने और इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेरा फेरी करने के आरोप शामिल किए गए हैं। आपको पहले ही बताया कि भाई हालात किस तरह से खराब चल रहे हैं। अब पूरा ज्यादा फायदा किसको मिलने वाला है, जो बाइडेन को, ट्रम्प जी क्यों किए भाई ऐसा तुम यार।
तो आप इस तरह से आप समझ सकते हो कि जब कभी भी बोलते हैं ना इलेक्शन नजदीक आने लगता है तो ऐसे केसेस बोलते हैं ना ज्यादा उजागर होते हैं। अब मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा जो बाइडेन उठाने वाले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप तो मुझे नहीं लगता है कि 2024 के इलेक्शन में जो होने वाला, कभी होने वाला नवंबर 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला अमेरिका के अंदर, तो उसमें मुझे जहां तक लगता है इनकी हार थोड़ा सा काफी दिख रही है। मतलब चांसेस है कि 90% ये हार सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे केसेस उजागर होते हैं तो काफी जो इनके बोलते हैं ना समर्थक है वो भी शांत बैठ जाते हैं। तो आई होप सो आप पूरा मामला समझ चुके होंगे कि ये न्यूज अभी क्यों हाईलाइट हुई है और इसके पीछे रीजन क्या है। एंड अगर ऐसे ही बोलते हैं ना दम शानदार, दम तड़ाके, दम भड़ाकेदार बोलते हैं ना खबरों को जानने के लिए, अभी सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।